Hello everyone. In the last lecture, we were discussing about Collard's law of independent migration of ion. So today we'll discuss further. Today we will discuss about electrolysis, their products, and the laws which are followed by electrolysis. So first of all, we'll discuss about what is electrolysis. Electrolysis hai kya beta? Electrolysis हमारे पास एक phenomena होता है, जिसको हम बोलते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करें किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में से और उससे ब्रेकडाउन अगर हो जाए सॉल्यूशन का, ठीक है, अगर ब्रेकडाउन हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने से सॉल्यूशन का, तो उसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रोलिसिस इट इज द फिनोमिना ऑफ breakdown of solution। आप कह सकते हो breakdown of component of solution, जो component present है भाई solution में, component of solution by passing the electricity of solution by passing इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हो और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने से हमारे पास अगर ब्रेकडाउन हो जाता है किसका? सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उनका, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। आप लोगों को याद हो तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन से हमारे पास कास्टिक सोडा बनता है भी, जिसे हम NaOH बोलते हैं। आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस एक फिनोमिना होता है, जिस फिनोमिना में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई? केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, वो सेल कौन सी थी जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी कि कोई भी ऐसी सेल जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करे वो कौन सी सेल कहलाती है भाई? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आपको याद हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या थी हमारे पास? इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है मेरे बच्चों? इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है वो सेल जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करे। द सेल विच प्रोड्यूसेस केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करती है बाई पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, जिस टाइम हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने से केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं तो उसको हम कौन सी सेल बोलते हैं पहले बच्चों? इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। ओके, सो अभी तक हमने जो भी इस चैप्टर में पढ़ा है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि वो सेल जो हमारे पास केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करे उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। और जो केमिकल एनर्जी चेंजेस प्रोड्यूस करे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बहुत ही सिंपल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अभी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, वैसे ही सेम सिंपल हमारे पास क्या होती है? एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिनको हम बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव एंड से जोड़ते हैं। जैसे मान लिया कि हमने एक ही वेसल में दोनों इलेक्ट्रोड लेनी है, यहाँ पे हम लोगों ने एक बैटरी कनेक्ट करी हुई है भाई, ठीक है, ओके, जिसको हम पॉजिटिव एंड से जोड़ते हैं और जिसको नेगेटिव एंड से जोड़ते हैं उनको हम क्या क्या बोलते हैं? जिसको हम पॉजिटिव एंड से जोड़ते हैं क्योंकि उस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो जैसे ही मैं उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करूंगा, अब बेटा इस इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज अगर है इस इलेक्ट्रोड पे तो हमारे पास इस इलेक्ट्रोड के पास सॉल्यूशन में से कौन से आयन्स आएंगे जो क्या है? जो नेगेटिवली चार्ज है। तो नेगेटिवली चार्ज आयन जिसकी तरफ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं भाई? एनोड बोलते हैं। एनोड के ऊपर क्या आएंगे? एनायन्स आएंगे। और एनोड को हम कौन से एंड से जोड़ते हैं बैटरी के? पॉजिटिव एंड से। और कैथोड पे क्या आएंगे? कैथोड पे हमारे पास केटायन्स आएंगे।
जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना प्यारे बच्चों, इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रो डिपोजिशन में करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में करते हैं, जिसको हम लोग हमारे 6th चैप्टर में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो कैथोड पे कैटायंस आएंगे, और कैटायंस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कैथोड कौन से एंड से जुड़ने है बैटरी के? नेगेटिव एंड से। तो आपको ये मेमोराइज नहीं करना है, आपको सिंपली ये ध्यान रहना चाहिए, एनोड पे एनायंस, कैथोड पे कैटायंस, ए फॉर ए एंड सी फॉर सी, ठीक है। अब बारी आती है कि हम जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करा रहे हैं, उस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में कितना अमाउंट सब्सटेंस और कैसे डिपॉजिट होता है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फैराडेज। फैराडेज ने इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस को स्टडी करा और ये बताया कि अगर मैं किसी सॉल्यूशन में से कुछ अमाउंट करंट प्रोड्यूस पास करता हूं, तो उसके अंदर से हमारे पास कितना जो सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होगा, इलेक्ट्रोड्स पे आ जाएगा। होगा क्या भी, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे इस सॉल्यूशन में, मान लिया जैसे हमारे पास ये है NaCl का सॉल्यूशन है, तो क्या होगा, जो सोडियम आयन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे जो कि कैथोड है, और Cl नेगेटिव जो कि क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, वो किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। तो ऐसे हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपोजिशन हो जाएगा। अभी अब ये जो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपोजिशन हो रहा है प्यारे बच्चों, इस इलेक्ट्रोड डिपोजिशन से जैसे यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे चले जाएंगे। इलेक्ट्रोड के ऊपर जो ये डिपोजिशन हमारे पास हो रहा है, इस डिपोजिशन की वजह से हमारे पास जो पहले इलेक्ट्रोड थी उसका कुछ ना कुछ अमाउंट तो बढ़ेगा। अब कितना अमाउंट बढ़ेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना करंट पास करें ताकि हम अमाउंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको पता कर सकें, ठीक है। उसके लिए फैराडे वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने क्वांटिटेटिव, मतलब ये बताया कितनी क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव स्टडी करी किसकी, इलेक्ट्रोलिसिस की। तो इलेक्ट्रोलिसिस में अब हम आते हैं फैराडेज लॉ पे। फैराडेज लॉ क्या थे प्यारे बच्चों, देयर आर टू फैराडेज लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जिसे हम बोलते हैं। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या था, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ हमें बताता है, आई कैन राइट इट डाउन फर्स्ट, सो व्हाट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ कहता है कि कितना अमाउंट जो सब्सटेंस है और द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन ए इलेक्ट्रोड इज टोटली डिपेंड अपॉन द चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोड। मतलब क्या इस बात का, अगर हमारे पास सब्सटेंस है कोई भी, तो कितना सब्सटेंस इन इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा ना, वो डिपेंड करता है कि हमने इसमें इसके अंदर से कितना करंट को पास करा है, मतलब करंट कितने टाइम तक पास करा है, मतलब चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां पे देखिए ये लॉ क्या था, द फर्स्ट लॉ सेड दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, आप कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited on an electrode is directly proportional to, किसके directly proportional है भाई, directly proportional to charge passed, कितना charge हम लोग pass कर रहे हैं, directly proportional to charge passed through the solution, या फिर through the electrolyte कह सकते हैं हम, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो अगर हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उस इलेक्ट्रोलाइट में से कितना सब्सटेंस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज जितना पास किया गया है किसके थ्रू, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली हमारे पास जो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, वो क्या होता है, फैराडेज फर्स्ट लॉ कहता है कि हमारे पास जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मान लिया मेरे पास W अमाउंट सब्सटेंस है, और W अमाउंट सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, Q इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड, ओके। तो W इज इक्वल टू Z Q, Z हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं अभी, क्या बोलते हैं, Z हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी बोलते हैं भी, और इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट भी बोलते हैं। सो जेड इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जेड क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का क्या मतलब है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मतलब है कि जेड जो है, अगर मैंने
कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस लिया, से फॉर एग्जांपल मैं सॉल्यूशन जो ले रहा हूँ वो कॉपर सल्फेट। ओके एवरीवन, लेट्स से हमारे पास एक कॉपर इलेक्ट्रोड है और उस कॉपर इलेक्ट्रोड को हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करके उसको डिपॉजिट करा रहे हैं। तो उसको डिपॉजिट कराते हुए हमारे पास कितना करंट हम पास करेंगे? तो अगर मुझे कॉपर प्लस टू से दो इलेक्ट्रॉन गेन करा के कॉपर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, कितना अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी देखना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है कि मान लीजिए आपके पास जो चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे, वो चार्ज कितना होता है अभी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अगर मुझे चार्ज निकालना है एक मोल इलेक्ट्रॉन पे, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट चैप्टर में, सॉरी सेकंड चैप्टर में, 6.0 × 10⁻²³ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, एक मोल चार्ज के बराबर आ जाएगा। और एक मोल चार्ज कितना होता है अभी, फैराडेज, और फैराडेज कांस्टेंट कितना होता है 96,500 कूलम। तो इस चीज का मतलब है कि अगर मुझे एक मोल इलेक्ट्रॉन पास करने हैं तो एक मोल इलेक्ट्रॉन से इतना चार्ज प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे तो दो इलेक्ट्रॉन है तो दो मोल से कितना इलेक्ट्रॉन पास होगा, 2F, मतलब एक मोल कॉपर को डिपॉजिट कराने पे, कॉपर इलेक्ट्रॉन पे हमें 2 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। मतलब क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं उतना फैराड इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास लगेगी। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे थे W = Z × Q, Q हमारे पास चार्ज किसके बराबर होता है अभी, करंट इंटू टाइम। I हमारे पास है करंट, ठीक है, और T हमारे पास है टाइम। तो हमने कितना करंट कितने टाइम के लिए पास करा है वो किसके बराबर होता है अभी, Q के बराबर। तो Z इंटू I इंटू टी। अब बात आती है Z पे, Z हमारे पास किसके बराबर होता है, Z हमारे पास बराबर किसके होता है भाई बताइए, व्हाट डू यू थिंक। Z एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम यहां से निकालते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग भी, Z हमारे पास होता है मोलर मास, जो भी उस कंपाउंड को हम डिपॉजिट करा रहे हैं उसका मोलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय F। ठीक है भाई, मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू F, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू F। मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट वेट भी कहते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय F भी होता है। बाकी ये बहुत सिंपल है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितना अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी आपसे पूछ लिया जाए कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है, तो जेड की वैल्यू पुट कीजिए, मोलर मास आपको पता होगा, कितने इलेक्ट्रॉन सब आपको पता होगा, एफ कॉन्स्टेंट है, करंट और टाइम आपके पास दिया होगा। ठीक है, सो इन दिस वे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन एन इलेक्ट्रोड, कि उस इलेक्ट्रोड पे कितना वेट जो सब्सटेंस है वो डिपॉजिट हुआ है। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज अबाउट फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। जो हमारे पास सेकेंड लॉ है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ है हमारे पास, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फैराडेज सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ कहता है, वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग मान लिया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड ऐसे है और एक इलेक्ट्रोड ऐसे है। हमने दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया, एक तो मैंने लिया है सिल्वर नाइट्रेट और एक मैंने लिया है कॉपर सल्फेट, ठीक है, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को मैं एक दूसरे से जोड़ रहा हूँ, ओके, वो एयर के थ्रू, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है। दो इलेक्ट्रोड मैंने लिए हैं, दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिए हैं, ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड में से और दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में से सेम क्वांटिटी ऑफ करंट पास करेंगे। जिस टाइम हमारे पास सेम क्वांटिटी ऑफ करंट पास किया जाता है, दोनों सेम इलेक्ट्रोड में से अगर सेम क्वांटिटी ऑफ करंट पास करते हैं, तो जो वेट है उस सब्सटेंस का जो डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे, वो उसके इक्विवेलेंट वेट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है अभी, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना। मैं फैराडे सेकंड लॉ लिख देता हूं पहले, उसके बाद मैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट की भी बात करूंगा। फैराडेज
सेकेंड लॉ। ठीक है, तो फैराडेज सेकेंड लॉ हमारे पास क्या है? फैराडेज सेकेंड लॉ हमें बताता है कि अगर हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं व्हेन सेम करंट इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोड, अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट को पास किया जाता है थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोड, आप कह सकते हो डिफरेंट इलेक्ट्रोड, देन अमाउंट ऑफ और वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है? इक्विवेलेंट वेट के। तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? भी ऊपर वाली चीज को हम लोग लिख सकते हैं दैट वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट या फिर वेट ऑफ सिल्वर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ फॉर्मूले में फैराडेज सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरफ। तो वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट, मैं इसको डब्ल्यू ए जी से लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ कॉपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ठीक है, वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, एंड कॉपर डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉपर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, वेट बाय वेट, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो वेट जो सिल्वर का है वो उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, वेट जो कॉपर का है वो इक्विवेलेंट वेट कॉपर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। सो इन दिस वे वी कैन राइट डाउन द फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारे पास बात हुई फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की। एक बार मैं थोड़ा सा इक्विवेलेंट वेट के बारे में बता देता हूँ। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट हम उन पर्टिकुलर सब्सटेंसेस के लिए कैलकुलेट करते हैं अभी जो या तो डिसोसिएट हो रहे हो या एसोसिएट हो रहे हो, जिनमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा हो, जिसमें वैलेंसी चेंज हो रही हो, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम लोग इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करते हैं। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलर मास, उसका जो मोलर मास है या फिर मोलर वेट है उससे किससे से डिवाइड करते हैं, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करते हैं, ठीक है, या फिर वैलेंसी से डिवाइड करते हैं प्यारे बच्चों, ओके, या फिर कौन सी सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास तरीका है इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने का। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट जो निकल रहे हैं या फिर गेन हो रहे हैं वो हमारे पास क्या है, सेम है, तो उस केस में मोलर मास और इक्विवेलेंट वेट भी सेम रहेगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्दर द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड आई थिंक विच वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच टू योर स्टूडेंट्स।